लेट्स के लिए, तो अपना लेट्स के लिए वो कर्व लगा रहे जिससे आपका वी शेप बने, ये साइड बाहर निकले आपका, ठीक है, ऐसे आपका वी शेप दिखे पीछे से। तो कैसे बनाना है, तो आप ये थर्ड एक्सरसाइज भी करेंगे हम इसी में, तो थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे थोड़ा अलग, ठीक है, ये मशीन में। तो इससे आपकी पूरी लेग्स पे इफेक्ट पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा आपका पूरा, जिससे आपका मसल अच्छे से एक्टिव होगा, ठीक है। तो इस वर्कआउट के भी आपको 4 से 5 सेट रखने हैं, हर सेट में आपको रेपिटेशन ज़्यादा लगानी है और वेट इंक्रीज करना है धीरे धीरे, एक ही वेट नहीं लगाना है, वेट भी थोड़ा इंक्रीज करना है और आप मेरी तरह छोटा सा मसल बना सकते हो। तथा फोर्थ एक्सरसाइज करनी है अपनी मशीन पे, फिर से दूसरी मशीन पे, तो फोर्थ एक्सरसाइज करनी है हम अपनी इस वाली मशीन पे, ठीक है। तो इस पर कैसे करनी है हमारी, इस पर भी दोनों एक्सरसाइज लगे आपकी, अपर भी और लेग्स भी। तो अपर के लिए अगर हम ऐसे पकड़ते हैं ये वाली ग्रिप, तो ये हमारी अपर पे चली जाती है, अपर बैक पे। तो अभी हम लेग्स के लिए लगा रहे हैं, तो ये लगाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारी लेग्स के लिए है, ऐसे। इसके लिए आपको 4 से 5 रखने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन लगाने की कोशिश करनी है और लाइन। तो ये हमारी लेग्स के वर्कआउट था, ये वाली ग्रिप रखनी है आपने, ऐसे पकड़ना है जिससे आपका लेग्स पूरा खुले, ठीक है। तो इस वर्कआउट के भी आपको 4 से 5 सेट रखने हैं, हर सेट में ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन लगाने की कोशिश करनी है और लाइट वेट लगाना है, धीरे धीरे वेट इंक्रीज करना है, एकदम से वेट नहीं बढ़ाना है। ज़्यादा वेट लगाने से बॉडी इंक्रीज नहीं होता, बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ओनली आपका मसल, सॉरी मसल नहीं थकेगा, बाजू थक जाएगा। मसल एक्टिव करने के लिए लाइट वेट लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन लगाओ। तो एक बार ये वैसे कर लेते हैं, थोड़ा अपर कर लिए, ये वाला ग्रिप लगा सकते हो। ऐसे लगाएंगे तो हमारा लेग्स पे आएगा और ऐसे लगाएंगे तो हमारा ये अपर बैक पे जाएगा, ठीक है। तो उस वाले वर्कआउट के भी आपको 3 से 4 सेट रखने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मसल लगाने की कोशिश, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन लगाने की कोशिश करनी है जिससे आपका मसल अच्छे से एक्टिव हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ अपनी, कि डाइट न्यूट्रिशन अच्छा रखो भाई, तभी आप अपना मसल इंक्रीज कर सकते हो, मसल साइज बना सकते हो। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आप अपना मसल बढ़ाना भूल जाओ भाई, बिना डाइट के कुछ नहीं होगा। अगर आपको मसल साइज इंक्रीज करना है तो डाइट न्यूट्रिशन का भी स्पेशल ध्यान रखो, ताकि आपका मसल रिकवरी जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि बिना डाइट के, बिना प्रोटीन के मसल रिकवरी नहीं होगा। मसल बनाने के लिए डाइट, न्यूट्रिशन, प्रोटीन बहुत जरूरी होता है अपनी बॉडी के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा डाइट खाओ और मेरी तरह छोटा सा मसल बनाओ। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।